हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें कि दोस्तों आपकी हर छोटी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में अपनी पढ़ाई कर चुके हैं या जो भी स्टूडेंट्स अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने BAG, BCOM, BSc प्रोग्राम्स के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट किया था, दोस्तों आपके असाइनमेंट सबमिशन वाले पेज में आपके स्टेटस को चेंज कर दिया गया। अभी आप जल्दी ही अपना ग्रेड कार्ड भी चेक कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को इग्नू की तरफ से लेटेस्ट 20 नवंबर को अपडेट कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टाइम पे इसी तरह के अपडेट्स, इसी तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे BAG, BCOM, BSc प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2019 में अपना एडमिशन करवाया था। उसके बाद में जून 2020 में इनके टर्म एंड एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने वाले थे, जिन्हें कि पोस्टपोन करके दिसंबर में कर दिया गया। और दोस्तों, अभी तो जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर में अपने एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम को भी पोस्टपोन करके फरवरी 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने BAG, BCOM, BSc प्रोग्राम्स में जुलाई 2019 सेशन में एडमिशन लिया था, उन सभी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स फरवरी 2021 में कंडक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, आप जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में यहाँ पे अपडेट कर दिया गया स्टेटस को, चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। ये एक BCOM प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इसी तरीके से एक दूसरे स्टूडेंट हैं BAG प्रोग्राम के, जिनके कि सभी सब्जेक्ट के सामने स्टेटस में लिख दिया गया चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। लेकिन दोस्तों, जब आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए पेज ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको BA, BCOM, BDP, BSc ये सिर्फ 4 से 5 ही ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी BAG, BCOM या BSc प्रोग्राम्स के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इसके अलावा अगर आप जो अदर प्रोग्राम्स के लिए ग्रेड कार्ड का पेज दिया हुआ है, इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ दिनों पहले अपडेशन का काम चल रहा था, लेकिन अभी वो कम्प्लीट नहीं हो पाया और यहाँ पे आप BAG, BCOM, BSc प्रोग्राम्स को चेक नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पेज में चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल अपडेट कर दिया गया है, तो जल्दी ही आपके ग्रेड कार्ड को भी अभी अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप में से जो भी स्टूडेंट्स BAG, BCOM, BSc प्रोग्राम्स वाले हैं, आप सभी भी अपने असाइनमेंट के मार्क्स अपने ग्रेड कार्ड में चेक कर पाएंगे। दोस्तों, अभी एक बार बात कर लेते हैं आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस का, जो लेटेस्ट अपडेट किया गया है उसके बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे। तो दोस्तों, आपका जो लेटेस्ट स्टेटस अपडेट है वो 20 नवंबर को कर दिया गया। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन स्टूडेंट का दो सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस 20 नवंबर को भी अपडेट किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं, तो आपके लिए 15 दिसंबर की लास्ट डेट दी गई है। 15 दिसंबर से पहले आप अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे भी जमा करवा दीजिए। अगर आप अपने असाइनमेंट्स जमा नहीं करवाते हैं, तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसे कि पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूं कि आपके ग्रेड कार्ड में स्टेटस में नॉट कंप्लीटेड लिखा रहेगा, और जब तक नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तब तक आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप अपने असाइनमेंट्स टाइम पे जमा करवा दीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सभी स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी बात करते हैं आपका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। इग्नू की तरफ से ये एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उन सभी पर्टिकुलर ऑफिशियल्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके ईमेल IDs और उनके टेलीफोन नंबर्स, जो कि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बता सकते हैं। इस पेज में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो एक एक करके हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है शेड्यूल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम सेंटर, एंट्रेंस टेस्ट, डेट शीट या फिर होल टिकट। इनसे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो यहाँ पे आपको एक ईमेल ID दी गई है, exam.ii@ignu.ac.in। और उसके बाद में जो कंसर्न पर्सन है, शंकर सिंह भंडारी जी, उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं,
तीन अलग अलग टेलीफोन नंबर्स हैं। दोस्तों ये जितने भी टेलीफोन नंबर्स हैं ये सभी डेली के हैं। अगर आप मोबाइल से इन्हें डायल करेंगे तो पहले 011 ऐड करना ना भूले। इसके बाद में जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, अपडेशन ऑफ हॉल टिकट, अटेंडेंस सीट ऑफ एग्जामिनीज। इनसे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरीज है तो इनके लिए भी यहाँ पे अलग से ईमेल आईडी दी गई है। जो कंसर्न पर्सन है उनका नाम है जवाहरलाल कपूर जी, सो इनका भी यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने अगर अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीस वहाँ पे पेमेंट हो गया है तो इसके लिए भी यहाँ पे रिफंड ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे मेल करके और जितेंद्र यादव जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे उनके फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम वाले हैं अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं आपके रिजल्ट से रिलेटेड तो इसके लिए यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है md.result@ignu.ac.in। सो आप इन पे मेल कर सकते हैं या फिर नरेंद्र कुमार जी का यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट BA, BCom, BSc प्रोग्राम्स, दोस्तों ये जो BA, BCom, BSc प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फर्स्ट वाला लिंक नहीं दिया हुआ। BA, BCom, BSc प्रोग्राम्स के लिए ये सेकंड वाला ईमेल आईडी दिया हुआ है। दोनों ईमेल आईडी अगर आप देख रहे हैं तो एक जैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। फर्स्ट वाले में bdresult@ignu.ac.in लिखा हुआ है और जो सेकंड वाला है इसमें bdprezult@ignu.ac.in लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों आप यहां पे कोई भी गलती ना करें क्योंकि आप एक मेल भेजने के बाद में भूल जाते हैं और उसके बाद में आपका रिप्लाई वहां से नहीं आता है। इसलिए जो भी सही ईमेल आईडी है आप उसी पे अपना मेल भेजिएगा। और दोस्तों जब भी आप इग्नू को मेल करते हैं उस टाइम पे आपके हर ईमेल में आपकी सभी डिटेल्स लिखना ना भूले। आपके इनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, आपका नाम, इस तरह की सभी डिटेल्स आप हर बार ज़रूर मेंशन कीजिएगा सो दैट आपके ट्यूटर या जो भी रजिस्ट्रार जो चेक करेंगे वो इजीली आपकी डिटेल्स चेक करके और आपको रिप्लाई कर सकें। इसके बाद में आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। सो दोस्तों इनके लिए भी यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है और फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए भी इसी तरीके से दिया हुआ है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है या लैब कोर्सेज होते हैं उन सभी के लिए भी अलग से ईमेल आईडी दी गई है। जैसे कि आपने अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लिया, वहाँ पे आपके मार्क्स में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है या आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उसके वेरिफिकेशन के लिए भी अलग से मेल आईडी दी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। दोस्तों असाइनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम टाइम टाइम पे आपको इसी चैनल पे बताते रहते हैं, फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे assignment@ignu.ac.in पे मेल भेज के और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं या फिर इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है सतीश कुमार रावथन जी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क या डिसर्टेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो इनके लिए भी यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है और इनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें टाइम पे उनकी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते हैं, सो दोस्तों इसके लिए भी यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है convocation@ignu.ac.in या फिर ज्योति कुमार कुल्लू जी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप जब अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके विद इन 15 to 20 days या फिर मैक्सिमम 45 days में आपका मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके होम एड्रेस पे पहुंच जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने रीजनल सेंटर को भी मेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये था आपके लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन जिससे कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।